राधे राधे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई जैसा कि आपको पता है कि थार का नया वेरिएंट लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है रॉक्स। देखो इसका पेट्रोल वेरिएंट ना 12,99,000 एंड डीजल 13,99,000, मतलब पेट्रोल आपको 15-16 लाख के बीच में ऑन रोड पड़ेगा एंड जो डीजल है वो 16 से 17 के बीच में ऑन रोड पड़ेगा। बेस मॉडल की बात बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इसका प्रेस नोट मतलब प्रेस रिलीज है, इसमें आपको दो सिंपल जो फीचर्स दिए बना दिया। देखो पेट्रोल वेरियंट जो है 12,99 से एंड डीजल इतना से स्टार्ट होगा। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे कुछ कुछ लिखे गए हैं कि भाई क्या क्या सेफ्टी मेजर्स वगैरह आपको, देखो सेफ्टी 35 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको मिल रहे हैं जो बेस मॉडल में भी मिलेंगे, ठीक है। उसके एडवांस फीचर्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे वो जो आप यहाँ पढ़ सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है की फीचर्स थार रॉक्स MX1 बेस बट नॉट द बेसिक, ठीक है। अब देखो ये ना एकदम क्लियर नहीं है क्योंकि इन्होंने अभी अभी डाला है वेबसाइट के ऊपर, बट इसमें आप देख सकते हो कि LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं। साथ में R18 के स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाएंगे, डीयर AC वेंट्स मिल जाएंगे, USB-C टाइप मिल जाएंगे, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको बेस में भी मिल जाएगा भाई। उसके इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेड मिल जाएगा, और भी बहुत चीज़ है, 6 ईयर बैग्स वगैरह मिल जाएंगे, ESC मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपको इसमें सारा चीज़ मिल जाता है बेसिक में, ठीक है। अगर जैसा ये लिखा है ना उन्होंने कि बेस नो बट नॉट द बेसिक, अगर ऐसा आ गया तो सोच रहे हो 15-16 लाख में आपको इसका जो बेस मॉडल है वो आपको मिल जाएगा, कितना जबरदस्त ताबड़तोड़ रहेगा। ओके तो गाइज आप अगर थार लेने वाले तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।